नमस्कार। सबसे पहले तो होली की बधाई। आज होली के अगला दिन तो ज्यादातर घर में आदमी सुत के आरामे करेला, लेकिन वो अपना समय से दिनचर्या से कुछ समय निकाल के आइल बनी ऐजा एक खातिर और तहे दिल से आभार व्यक्त करता नहीं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे। देखिए, हमार नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता ना है, कुर्ता पजामा पहले बनी लेकिन हम नेता ना है। हम कोनो विधायक मंत्री नहीं थी, हम मुखिया सरपंच भी ना है, कोई के कोनो कामो ना करी। हम रास्ता में चलता नहीं, बहुत आदमी बतावता केकरा का कष्ट बा, कोई बतावता कि राशन नहीं खे मिलो, कोई कहता कि नाली गली टूटल बा, कोई बतावता कि लैकन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, कोई नौकरी के बात करता, ये सुनता नहीं हम, लेकिन काम हम कोई के ना करी। आरोबा से वोट मांगे भी नहीं की आई। आदमी सोचा था कि ये भाई हमनी के कोनो काम करत नहीं खन, वोट मांगत नहीं खन, तो पैदल काहे चलत रह। 160 दिन से पैदल चल रहल बानी, संकल्प ले ले बानी कि पूरा बिहार में गांव शहर कस्बा देहात घर द्वार छोड़ के परिवार छोड़ के पैदले जाई। पूरा बिहार घूमे में 1.5-2 बरिस लागी। अभी तो 160 दिन भइल बा, 4 जिला में चलल बानी। अब ऐजा से रास्ता से होक जाता नहीं छपरा, 1 जिला में 30 दिन 35 दिन 40 दिन लागत है पैदल चले में। आदमी स्वाभाविक बा पूछा था कि भाई पैदल काहे चलत हो। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज को, जिन लोगों के जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, एक बार जाकर अपनी आंख से उसको देखना चाहते हैं कि आप किस कष्ट में जी रहे हैं। रवा सुन ले होकर खिस्सा कहानी में हमने के बतावल जात रहे कि जे राजा होत रहे पहले जमाना में, वो रात में भेष बदल के निकलत रहे देखे खाती कि प्रजा के का कष्ट बा। अब जेकरा के हम रवा राजा बनावत नहीं, जब बटन दबा के रात के बाद तो छोड़ दी, कोई दिनों में सूद लेवे नहीं खे आवे, वोट लेके गई तो फिर वापस ना आई, अगला बार वोट हुई तबे आई। तो हम चलल बानी देखे कि आखिर ऐसा का बात बा कि 50 बरिस 60 बरिस हो गई, हमनी के दुर्दशा ठीके नहीं के हो। रउआ सब प्रयास करके देख लेनी, रउआ बहुत दिन तक हमनी के कांग्रेस के वोट देनी जा, फिर गरीब के लड़का लालू यादव के वोट दियाई, फिर आदमी कहल कि ना भाई पढ़ल लिखल आदमी नीतीश कुमार के बनावो, दिल्ली में रोवा मोदी जी के भी बैठा के देख लेनी, लेकिन बिहार में बिहार के लैकन के दशा सुधरत नहीं थे। आप गरीबी से निकल नहीं पा रहे हैं, रोवा लैका रही तबो गरीब रही, आज जो लैका रहे वो जवान हो गए, जवान आदमी बूढ़ हो गए, तबो वही गरीबी में जियोता, 2 रुपया ज्यादा चाहे 2 रुपया कम, गरीबी से उनका छुटकारा नहीं थे। आखिर गरीबी से खत्म काहे नहीं के हो, रुआ मेहनत तो करते बानी, काम अपना से सुबह 10-12 घंटा करते बा, अपना हिसाब से रुआ सोच समझ के वोटो देता नहीं, रुआ गरीबी से निकलत काहे नहीं थी ये बताने चले। देखी गरीबी से निकले के 3 रास्ता बा, ध्यान से सुनिए समझी, गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ लिख जाएगा, नौकरी उसको मिल जाएगा, तो और गरीबी खत्म हो जाए। अगर और लड़का के पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, लेकिन अभिजुन अगर खेती जलायक जमीन होके तो खेती किसानी करके भी गरीबी खत्म हो सकेला। आ तीसरा रास्ता ई बा कि जेकरा अभिजुन पढ़ाइयो नहीं थे, खेतियो नहीं थे, ओकरा अभिजुन पूंजी होके तो दुकान दौरी व्यापार करके आदमी आगे बढ़ सकेला। यह ना 3 रास्ता पर निकले के गरीबी से, तो बिहार में 3 रास्ता बंद बा। शिक्षा के नाम पर कुछ है नहीं थे, लड़का जाता सब पढ़े तो जब पढ़ाई नहीं थे हो खिचड़ी बटाता, कोई पढ़ लिख के कॉलेज तक पहुंचियो गई तो कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं थे हो डिग्री बटाता, एक दिन लड़का गई नाम लिखवावे
एक खाली जाके एडमिट कार्ड लाके जब परीक्षा देलस डिग्री ले लेलस पढ़ाई नहीं हो तो हम एक लाइन में कहिला कि स्कूल में खिचड़ी बटाता कॉलेज में डिग्री बटाता पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं खे हो। गरीब आदमी के लड़का के पढ़े के तो समझे नहीं थे। आ दूसर बात है जो आदमी खेती करे वाला बाड़न तो बिहार में 100 आदमी जे बा ओकरा में 60 आदमी के पास एको धूर जमीने नहीं थे। रवा मजदूरी करता नहीं बटाई पर लेके खेती करता नहीं मजदूरी करते नहीं जमीन नहीं थे 100 में 60 आदमी के पास। आज 40 को देखे अभी जो जमीन बा ओहू में 35 गो आदमी ऐसा बाड़न जरा भी जो 1.5 एकड़ से कम खेत बा 1.5 एकड़ से कम खेती करता बहुत छोटा खेत है खेत किसान करे वाला आदमी बाड़न तो जे छोटका खेत है खेतीहर बा उ खेती करत खाए वाला कमाए वाला ना उतने उपजाव कि ओकर बाल बच्चा के पेट भर जाओ धान चावल सरसों के तेल मिल जाओ उ खेती करके ओकरा पैसा नहीं मिले के वो इतना नहीं उपजावत कि खैला के बाद कुछ बच जाओ जन बेची या कुछ पैसा कमाए तो जितना एजा खेतीहर बाड़न उ सब कमाए वाला ना खाए वाला खेती करत 100 में 4 गो ऐसा आदमी बाड़न जरा इतना जमीन बा तो खेती किसानी करके कुछ बेचता कुछ आगे बढ़ता। आ तीसर रास्ता बा पूंजी के तो पूंजी एजा गरीबी इतना बा कि पैसा है ये नहीं के राहुल लड़का मान ली कि बाल काटे आवता तो 50,000 रुपया रही तब न सैलून खोली। आ 50,000 रुपया ना रही तो जाके पटना में सिवान में कहीं सैलून में मजदूरी करी तो 50,000 रुपया रुआ बुजुर्ग हये नहीं थे। आ जितना रुआ सरकार बनैले बानी पिछला 30-40 साल में कोई सरकार बिहार में शिक्षा को नहीं सुधारा कोई सरकार यहाँ भूमि सुधार नहीं लागू किया किसान को कमाने वाला खेती करने के लिए प्रेरित नहीं किया। आ पूंजी व्यापार उद्योग धंधा तो यहाँ हये नहीं थे रुआ गरीबी से निकलब कैसे कतनो हाथ गोड़ मार ली कोई के चुन ली सरकार कोनो योजना चला दे आदमी कहता कि 5 किलो अनाज बटाता तो 5 किलो अनाज जीवन भर खात रहते से गरीबी दूर हो 5 किलो मिलो कि 8 किलो मिलो मिलत अनाज उठाई और चाहे बेची उसे गरीबी तो ना दूर हो। ये बतावे खातिर चलल बानी कि पहले समझिए कि गरीबी से अगर निकलना है तो जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा जब तक यहाँ खेती को लाभदायक नहीं बनाया जाएगा और जब तक लैकन के रोजगार उद्योग धंधा ना लगी तब तक बिहार के दुर्दशा ना सुधरी। इतना बात तो सबके बुझाता तो बुझाता तो सुधरत काहे नहीं के यो बतावे चलल बानी। देखिए इतना आदमी रोवा सब बानी जा सब सबसे एगो सवाल पूछता नहीं बिहार में भैया और कुछ हो के चाहे ना शिक्षा सुधरे के चाहे ना सबके बोले एक बार शिक्षा लेकर लड़का लेकिन के पढ़े के व्यवस्था होके चाहे ना कतना तेज आवाज में रुआ कह तनी कि शिक्षा सुधरे के चाहे। तो अब हमारा रुआ से दूसरा सवाल पूछो तनी अपना अपना लड़कन के नाम को तनी कही कि जीवन में रुआ शिक्षा खातिर कभी वोट देले वाली कोई देले बा में वीर तो देखी ये बात बा घर में आदमी बैठा था तो कहता कि 8 घंटा पढ़ब तो 80% नंबर आ जाए बढ़िया रिजल्ट आई लेकिन पढ़त का एगो आदमी बा एको ना रुआ मालूम बा कि शिक्षा सुधरे के चाही लेकिन शिक्षा पर रुआ वोटे नहीं की दे तो शिक्षा सुधरी कैसे रुआ बुझाता कि नेता ठगता हम रुआ कहते कि नेता रुआ के नहीं ठग कोई नेता आपको नहीं ठग रहा आप जैसा वोट दे रहे हैं वही रिजल्ट पा रहे हैं। आपने वोट दिया है जात के नाम पर तो जात के चर्चा हर जगह नहीं के हो रुआ वोट देले बानी भारत पाकिस्तान पुलवामा हिंदू मुसलमान के नाम पर तो हर जगह हिंदू मुसलमान के बात होता टीवी रुआ जैसे ही खोलता नहीं तो भारत पाकिस्तान सुनाई देता रुआ वोट देले बानी 5 किलो अनाज के नाम पर 1 किलो चोरियों करके तो 4 किलो अनाजवा मिलता ना रवा वोट देले बानी राम मंदिर बनावे खाती तो 20 बरिस के लेटे से सही लेकिन राम मंदिर बनता ना ये बताने आए हैं
कि जो बोइएगा वही ना काटिएगा। नेता तनी मनियों में चोरी कर सकेला, लेकिन काम वही करेगा जो आपने जिस बात पर वोट दिया। रउआ बुझाता कि हम वोट देता नहीं पढ़े खाती या नेता स्कूल नहीं के बनावत, ऐसा बात नहीं थे। आपने वोट बेचा है अपना 5 किलो अनाज पर, आपने वोट दिया है पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर। रउआ अपन लड़का के पढ़े खाती रोजगार खाती वोटे नहीं देले तो सुधरी कैसे, यही बताने के लिए घूम रहे। गांव में गांव जाता नहीं, आदमी के हाथ जोड़ता नहीं, वोट नहीं मांगो, ये बता रहे हैं। अरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता कोई दल राव लेकर के चिंता काहे करी भाई, काहे करी। लेकिन बिहार में हमने की आदत बा, 5 वर्ष बैठ के आदमी बतियाई, रवा जहां चल जाए बिहार में और कुछ आवे चाहे ना, लोग के राजनीति के समझ खूब बा। जहां 5 आदमी बैठी हम घर में दलान में खेत खलिहान में चौक चौराहा पर, जहां 5 आदमी बैठ गए, ये बतियाई कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा। सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, लेकिन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, रोजगार नहीं खे, भ्रष्टाचार बहुत बा। खेत में पानी नहीं खे, 2000 के धान रोवा 1500 में बेचता नहीं, 277 के यूरिया 500 में खरीदता नहीं, ये सब बात रोवा मालूम बा, रोज रोवा चर्चो करता नहीं। लेकिन जहिया वोट हो वोट के दिन बिहार के आदमी के खाली 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, अके हमारा जात के खड़ा बा पता कर ओकरे के दिया किया है। जे जात से बच गए, जे जात से बच गए, धर्म के मां नाम पर पिसा था। अब की हाली रहा तय कैले बानी कि अब की हाली भाजपा के वोट ना दे। सांसद महोदय तो मुंह देखावे नहीं आई, लेकिन जैसे ही वोट आई तो गांव में देहात में इलाका में हल्ला हुई, सब हिंदू एक हो जा, जा। मुसलमान ना जीते के चाहिए, कोई गलती से पूछियो दे लस, ए भाई हमारा हिंदू मुसलमान से नहीं मतलब, ये सांसद बहुत बदमाश बा, आदमी घेर ली हम। अरे बुर्बा ऊपर देखो ऊपर, जब मोदी जी या पाकिस्तान हो गए तू नली गली में जुराई वाला, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। पुलवामा हो गए ला तू स्कूल खोजता रहो, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। सभी जाके दे दिल भाजपा के, जे दोनों से बच गए, जात से बच गया धर्म से बच गया, तो आदमी कहता जाए दी भैया हमने के कतनो दुर्दशा बान, हमने कहा लालू जी के जो अपराध वाला राज रहे ऊ ना चाही रे भाई, बड़ा डर रहे नहीं जानो। 4 बजे आदमी भागत रहन सरे छोड़ के, घर में घुस के अपराधी बदमाशी करत रहो सब, तो आदमी लालू जी का राज जो था वो डर से जाके भाजपा को दे रहा है। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहता कि भैया जी ही चाहे मरी, भाजपा के ना वोट दिहल जाए, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा, तो बचल के बिहार में, बिहार में तो भैया दुगो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार के तो भरोसे नहीं के कभी ललटेन पकड़ के लटकी हन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पवरी, पते नहीं खे लागत की रही हम के ने। तो मुसलमान कह रहा है कि जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते हैं तो ही लौटेने बा, यही में एकरे के बटन दबावल जाए। रवा सब इतना आदमी बानी जा, ईमानदारी से बताई यही 4 चीज पर वोट दिया था भैया, दिया तो नहीं 4 चीज पर, तो काहे के माथा पीटो तानी जा हमने के, काहे के रहुआ अपनो माथा पीटो तानी हमरो माथा पीटो तानी समय बर्बाद कर तानी। अरे जब रहुआ मालूम बा हमारा मालूम बा, तो सब नेता सब दलो जाना तारो सब कि बिहार के जनता बतियाई कतनो गाना गाई हंस के गा के गरिया के भोटवा, ये 4 चीज पर दिहन जे दिहन जा का, यही हम लोग के दुर्दशा का कारण है। यही से हम सब के हाथ जोड़ के कहता नहीं, नेता आता है तो कहता है कि देश को देखिए, विचारधारा पर वोट दीजिए, नेता पर वोट दीजिए। हम रवा के हाथ जोड़ के कहता नहीं कि एक बार जिंदगी में अपने बच्चे का मुंह देखकर वोट दीजिए, स्वार्थी बनिए, अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिए,
नहीं तो जीवन में कभी आपका दुर्दशा नहीं सुधरेगा। राउर हमार जिंदगी तो आधा बीत गई, अगर अभी से भी नहीं जगिएगा आ जाता धर्म पुलवामा चाइना पर वोट देत रहो तो आने वाली पीढ़ी आने वाले बच्चों का भी जिंदगी इसी बदहाली में बीतेगा। लिख कर रखिए, कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर आयल बरन बड़ा होशियार बरन सुधार दी हो, हम रोवा के बतावत नहीं जे आवेला मंच पे ये न कहेला कि हमरा के वोट दे दो हम आई ना तो सुधार दे। हम आपको कह रहे हैं कि एक गो प्रशांत किशोर छोड़ी, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ गई हम तो वो बिहार सुधरे वाला नहीं थे। ये सुधरी कैसे जब रउआ सुधरे के तैयारे नहीं थी। हम रोड पर चलत नहीं 50 गो लड़का अगर आगे दौड़त आड़ सब तो आधा लड़कन के शरीर पर तो कपड़ा नहीं थे, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपका लड़का पढ़ने जा रहा है तो जब पढ़ाई नहीं थे हो खिचड़ी बटाता, राउर लड़का जब पढ़ते नहीं थे खिचड़ी खाता तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। ये बुझाए के चाहिए ना रुआ, ये नहीं आपको समझ में आना चाहिए। प्रशांत किशोरों में का कमी हम भैया 14 में हल्ला भय रहे ना कि मोदी जी आई ना तो सब सुधर जाए, लेकिन 14 में मोदी जी के हम ही अभियान चलावत रहे। 2012 में 2013 में यूपी बिहार में मोदी जी के आदमी नाम ना जानत रहो, अब आदमी लाठी डंडा करता है तारा बुझाता मोदी जी से देश के विकास हो। तो हम यही से कही ला चलो चलो के भाई चलो मान लो के मुंह जोर से झगड़ा करे जाए, मान लीजिए कि मोदी जी अलन उसे विकास भल कि नहीं छोड़ दिया जा। ये छोड़ दी बात कि मोदी जी अलन तो उसे लेकिन के बिहार के कोनो फायदा भल कि ना। एजा जितना आदमी हमने के बीजेपी के वोट देले बनी जा कमल छाप के आपको खुला चुनौती देकर जा रहे हैं। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री बाड़न, 9 बरस में मोदी जी ने काम क्या किया नहीं किया छोड़ दीजिए, बिहार का विकास हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार। 9 बरस में एक बैठक तक मोदी जी ने नहीं किया, हमने के फिर जाके उछल उछल के कमले को वोट दबावल जाए तो गलती मोदी जी के बा कि हमने के बा। अरे रोगा 40 में 39 को MP जीतले बानी, हमने के को बैठको भर वोट नहीं दे देले। गुजरात में आदमी टीवी में देखो कारण ए भाई मोदी जी बुलेट ट्रेन चला बताओ आदमी यही में खुश बाड़न। तो बुलेट ट्रेन बनावे के खर्चा बा 1,00,000 करोड़ रुपया, गुजरात के आदमी चली 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर आ बिहार के आदमी के पसेंजरो नहीं थे मिलो। अरे वह यही में खुश बानी कि गुजरात में बुलेट ट्रेन चलता कर वह वोट देता नहीं गुजरात में बुलेट ट्रेन पर तो रउआ घर के लड़का बस में ना चली तो कहाँ चली। यही बताने के लिए चले हैं, समझा रहे हैं कि नेता अपने लड़के की चिंता कर रहा है, नेता अपनी चिंता कर रहा है, आप भी अपनी चिंता कीजिए और ना करो तो सबको आके ठगी। प्रशांत किशोर आज बार अब क्या प्रशांत किशोर ठग लिय आदमी कहता कि भैया सब बुझाता हमने के बात रुआ दल न बनाई, हमने के विकल्प ना रहे, 2 गो दले रहे गो नागनाथ है गो सापनाथ के करा के दिहल जाओ। बिहार में नया विकल्प चाहिए तो हम दल काहे नहीं बनावो मेरे भाई, हमारे दल बनाने से क्या होगा, पहले ही से 50 गो दल बाद ठगे वाला एगो और ठगे वाला बढ़ जाइयो। बिहार में दल कैसे बनेला, जे बनेलस दल उहे हो गए दल के नेता। आयो कह दिलस कि हमारा बाद हो यान हमार बेटा आ कुल जाना तो लोग बिहार के आदमी जीवन भर झंडा लेके ढोवा जाए। वो दल विकल्प नहीं है, वो तो एक परिवार का शासन है। अगर विकल्प बनाना है तो जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया उससे सीख लेना होगा। गांधी जी देश के आजाद कैसे करेल, गांधी जी अकेले वोट लेके चुनाव जीत के आजाद करेल। अरे गांधी जी आगे आगे चले,
पीछे से उन्होंने समाज को जगाया, समाज उनके साथ खड़ा हुआ, तब न देश आजाद हुआ। तो अगर बिहार को गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से मुक्त कराना चाहते हैं, आजादी दिलाना चाहते हैं, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको कंधा लगाना पड़ेगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य यही है बा कि गांव, शहर, कस्बा, देहात से हर उस आदमी को ढूंढ कर निकाले जो नई व्यवस्था बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कंधा लगाना चाहता है। आदमी को तक ये भी विकल्प तो बनावे के बा, लेकिन हमने बिना साधन नहीं थे, व्यवस्था नहीं थे, हमने के राजनीति के समझ नहीं थे। हम रोवा के कहे आई बानी कि सब चिंता अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर को छोड़ी, अपने बच्चे के लिए खड़ा तो होइए। आप अपने बच्चे के लिए खड़ा तो होइए, व्यवस्था हम बना कर देते हैं, संसाधन हम लगाते हैं, बुद्धि हम लगाते हैं, खड़ा तो होइएगा तबे ना होगा। अगर आप खड़े नहीं होइएगा तो कोई मंगल ग्रह से आके सुधारी, अगर बिहार के सुधारे के बाद तो बिहार के आदमी के ही सुधारे के पड़ी। आ ना तो जो हमनी के लैकन के दुर्दशा बा, देखिए गांव में कोनो ऐसा घर ना हुई जहां से जवान लड़का बहरी जाके मजदूरी नहीं खसन कर, 12,000-14,000 रुपया खाती जो ना लड़का के रोवा पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करता नहीं, 20-22 बरिस का लड़का हो गए सब, तो पीठ पर झोला बांध के कौनो स्टेशन पर चल जाए तो ट्रेन में भेड़ बकरी के तरह भर के लड़का जाता और सब मजदूरी करे। 12-14 घंटा आदमी काम करता है वहां, 2 करोड़ लड़का बिहार का पूरे भारत में मजदूरी कर रहा है 12,000-14,000 रुपया के लिए। वो जाओ पेट काटता कि घरे 6,000-8,000 भेजी कि हमार बाल बच्चा खाओ, हम रास्ता चलत पूछता नहीं कि वोट काहे देले रही, तो कहत आदमी क्या करी भैया गौवा वाला सब देत रहे तो हमू दे देनी है। अरे राउर घर के सवांग, राउर घर के लड़का, राउर भाई, राउर बाबूजी, राउर चचा, राउर भतीजा, अपन जवानी अपन हाल गलाव 5,000-6,000 रुपया खाती, आ जैया रउआ राजा बनावे को होता दिन वोट रउआ ऐसे ही दे देता नहीं, और ऐसे ही अगर दे दे तो रउआ ना भोगब तो हम भोगब। यही बताने चले, जगिए, संकल्प लीजिए कि वोट चाहे किसी को दीजिए लेकिन वोट दीजिएगा बच्चों के पढ़ाई के लिए, वोट दीजिएगा लैकन के रोजगार खाती, वोट उसको दीजिएगा जो हमने के खेती किसानी के दशा सुधार है, 3 चीज पर वह वोट दी आ देखी 10 साल में कैसे बिहार सुधरेगा, संकल्प लीजिए। कारोबार बताएं कि प्रयास होके के चाहे कि ना होके के चाहे, सबके बोले कि भाई प्रयास होके के चाहे ना भाई। करुआ से एगो सवाल पूछब, सबके वोट देवे के बा, वोट देवे खातिर हाथ उठावे के पड़ी, जरा हाँ बोले के रही हाँ बोली, जरा ना बोले के बाबू ना बोली। पिछला 30-40 सालों में आपने हमने जिसको भी वोट दिया किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की है, सब नेता अपना और अपने बच्चे का चिंता में लगा है। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता जगे और अपने बच्चों के लिए मिलकर नई व्यवस्था बनाए। आप बताइए कि सबको हम लोग को मिलके गांधी जी के रास्ते पर चलकर नया विकल्प, जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आधा आदमी तो हाथे निखन उठाओ तो बिहार सुधर जाए, हाथवा तो उठाओ जरा ना बोले के बाद ना बोलो, फिर से पूछता नहीं। बिहार की जनता को मिलकर अपने बच्चों के लिए नया विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए ना भाई। आदमी को कि अच्छा मान ली कि हमने के बनाइए लिहल जाये, ऐसे क्या हो, चुनाव कैसे जीतल जाए, चुनाव में जीतल मुश्किल बा, इतना जाति बा, इतना धन बा, बाहुबल बा, समीकरण बा, चुनाव कैसे जीतल जाए, ये भी आपको बताने आए। देखिए लोकतंत्र में जो जनता है, आप हनुमान हैं, जैसे हनुमान जी अपन शक्ति भुला जात रह, वैसे ही लोग अपन शक्ति भुला गई बानी। एक बार आप खड़े हो जाइएगा अपने बच्चों के लिए तो जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आदमी खड़ा होगी हम सब में कट की हम, अरे एक बार अपने बच्चों के लिए आप खड़े हो जाइएगा तो कोई नेता, कोई जाति, कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। आ दूसर बात ये हमरा के जानता, अगर मालूम बा कि प्रशांत किशोर का और कुछ आवे चाहे ना
चुनाव लड़ावे आवेला। पदयात्रा जो खत्म हो जे करे के समाज अपना बीच से चुन के निकाल दिए व्यवस्था में, गरीब हो अमीर हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, महिला हो पुरुष हो, जेकरे के समाज चुन के निकाल दी, उसी के पीछे अपनी जन सुराज की पूरी ताकत शक्ति पैसा बुद्धि सब लगाएंगे और आपके समर्थन और आशीर्वाद से इसको जीता करवाएंगे। तबे न बनी जनता के सरकार। बिहार के दुर्दशा सुधारे के बाद एक एक रास्ता बा, अपनी सरकार बनाइए, जनता का सरकार बनाइए। नेता लोग के बहुत सरकार बन गए, दलों के दलदल से बाहर निकलिए, अपने बच्चों के लिए अपनी सरकार बनाइए, तभी आप नहीं ठगे जाइएगा। प्रयास हो ना भाई, करवा से हम वोट मांगत नहीं थी, चंदा हम ली ही ना, नजर घुमा के देख ली कहीं नेता इस अपन फोटो नहीं की लगे, गांधी जी के फोटो पर लागल बा, रवा से मांगे आये बनी राउर आशीर्वाद। ये कठिन काम है, 50 बरस का जमा हुआ काई है। आदमी को कहते कि गांवे गांव काहे घूमता नहीं, बड़का एक जगह रैली करती गांधी मैदान में सबके समझा देती, उसे ना हुई, काई लाग देता फर्श पर, काई कैसे छोड़ाई ला, बैठ के ईटा से झाड़ू से रगड़ के धीरे धीरे छोड़ावे पड़ेला। 50 बरिस के जाति के धर्म के जो निकाय जमा दिल बड़ा सब नेता, ये छोड़ावे खाती गांवे गांवे जाता नहीं, लोग के हाथ जोड़ता नहीं कि जागो जा रे भाई, एक बार जगिए अपने बच्चों के लिए और बिहार को सुधारने का संकल्प लीजिए। आप में वो ताकत है, बिहार की मिट्टी में वो ताकत है। रुआ गलती वोट अगर ना दबाई, सही लोगों का चुनाव कीजिए, आप देखिएगा कि पूरा देश में भारत में बिहार में वो व्यवस्था बनाई जा सकती है कि पढ़े खाती हमनी के लेकर तो बाहर नहीं जो हम जो बाहर बाबू पढ़े बिहार में आवे के पड़े, किसी के बच्चे को किसी के घर के जवान लड़के को बाहर रोजगार करने नहीं जाएगा। जन सुराज का पहला संकल्प है, इसको याद रखिएगा। अब जिस दिन जनता की सरकार बन गई तो साल भर के अंदर जितना लड़का बहरी बलवान रोजगार करे उसको वापस बुला कर यही पंचायत में ब्लॉक में 15,000 तक का नौकरी का व्यवस्था किया जाएगा। लगवा बताएं कि 5 किलो अनाज चाहिए कि सामान के रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए ना, तो 5 किलो अनाज ली ही, लेकिन वोट उसको दीजिए जो आपको रोजगार देगा, जो आके आपको 500 रुपया देता है, रुपया रख लीजिए जेब में, लेकिन वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था कराएगा। अगर वोट देने सीख जाए, वोट देने सीख जाइएगा तो 5 बरिस नेता आपके घर के आगे एड़ी रगड़ेगा, आ ना तो जैया भोटवा होता उस दिन गोड़ पर गिर के चाची चाचा भैया भोटवा दे दो, वो दिन रुआ से गलती करा दिल तो 5 बरिस रुआ भिखार बन के घूमत है। निर्णय रुआ लेवे के बाद तो रुआ न पहले जैया राजा बनावे को होता वो दिन न जागे के चाहिए। तो सुनी बात, अब बहुत देर से रुआ खड़ा बानी, रुआ से हम कुछ मांगनी ना अब मांगो, लेकिन बहुत कठिन काम बा, हर मास के शरीर से कोई 40,000 गांव में जाके काम ना कर सके, जीवन निकल जाए, बीचे में आदमी के प्राण निकल जाए, ये होगा ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर रउआ बुझाता कि जो काम हम कर रहे बानी अपन घर द्वार परिवार छोड़ के, अगर ये ठीक काम बा, ये बिहार के समाज और बच्चों के भले के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, है ना आपका आशीर्वाद, प्रयास होके ना भाई, होके चाहे ना। एगो अंतिम बात को आपके खत्म कर जाए, हमने के लड़का जाता असन पढ़े बिहार से बाहर कोई काम करे जाता तो कहता असन बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, जेकरे मन हो गए दू थप्पड़ लगा देलस, ये शब्द बिहारी गाली बन गया है, हमने के सब बेवकूफ बानी जा। अरे बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है,
यहाँ के नेताओं ने व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि है, देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए, बिहारी कहलाना अपमान नहीं है, ये तो शान की बात है। इस मिट्टी को ऐसा बनाइए, अपने राज्य को अच्छा बनाइए। ये संकल्प लीजिए कि जात पर, धर्म पर, 5 किलो अनाज पर, नाली गली पर वोट नहीं देंगे। वोट देंगे जो अपने बच्चों के भविष्य को बढ़िया बनाने के लिए। एक बार वो नारा लगा के खत्म कर जाए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो होली के भी कल भांग के नशा अगर उतर गए होके तो थोड़ी देर चली हमारे संगे पैदल गांव भर, आना तो घर जाके सूती जाए।